डॉक्टरी का पेशा सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। इसलिए डॉक्टर सरकार में सेवाएं देकर लोगों की सेवा करें। इसलिए हरियाणा सरकार ने MBBS कर रहे छात्रों के लिए बोर्ड पॉलिसी बनाई है, लेकिन उससे छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहना है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। वे आज पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्रों को मेडल तथा डिग्रियां वितरित की। जी अपना नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर मुस्कान गर्ग है। मैं कैथल से हूँ। मेरे पेरेंट्स पापा केमिस्ट राजेश अग्रवाल एंड मम्मी सुमन गर्ग हाउसवाइफ हैं। वो उन दोनों ने ही मुझे मेरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है और मेरी बहुत हेल्प करी है। मैं अपने पेरेंट्स के जो मैंने अचीव किया है उसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपने टीचर्स को देती हूँ। और मेरी मैंने MBBS के फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स 2021 में पास किए, देन एक साल की इंटर्नशिप ट्रेनिंग करी, उसके बाद मुझे आज ये कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट होने का मौका मिला है। और मेरे 3 मेडल्स हैं। एक मेडल है PGI गोल्ड मेडलिस्ट एंड बेस्ट ग्रेजुएट, एंड देन 1 मेडल इज़ यूनिवर्सिटी सिल्वर मेडलिस्ट इन पूरे हरियाणा में, और तीसरा मेडल है इंद्रजीत गोल्ड मेडल इन अनैकमी। तो आज कॉन्वोकेशन कितने दिन के बाद? कॉन्वोकेशन हमारी ट्रेनिंग मई 2022 में कंप्लीट हुई थी, उसके बाद आज कॉन्वोकेशन हुई है। बट ये कॉन्वोकेशन इस यूनिवर्सिटी की सेकंड कॉन्वोकेशन है, जो ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर्स के बाद आज कॉन्वोकेशन हुई है। आप सबसे अलग हैं, 3 मेडल आपने प्राप्त, इसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे मेरी मेहनत, मेरे पेरेंट्स की मेहनत। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने दी। उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी बहुत बहुत मदद करी है। उन्होंने मैं उनका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी अपनी लाइफ में। क्या एम है? मेरा एम एक गायनेकोलॉजिस्ट बनना है। अभी मेरी काउंसलिंग चल रही हैं। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट बनके लोगों की मदद करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, कम पैसे में उनका इलाज करूंगी।